हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स अन्नपूर्णा किचन। आज हम ड्राई फ्रूट सुखड़ी बनाते हैं। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने काजू लिया है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स अपने स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम लिया है मैंने, अखरोट लिया है। यहाँ पे थोड़ा मैंने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स लिए हैं। ये 2 चम्मच यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं और 2 चम्मच वाटरमेलन सीड्स, और यहाँ 2 चम्मच मैंने तिल लिया है। थोड़ा सा हम इसे सेक लेते हैं। बच्चे ऐसे ये सीड्स खाते नहीं हैं, तो हम इस फॉर्म में बच्चों को खिला सकते हैं। एक से 1.5 मिनट अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया है। अब गैस बंद करके इसे कंप्लीट ठंडा हो जाने देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। मैंने दोबारा से गैस चालू किया है और 1 कटोरी यहाँ पे मैं गाय का घी ले रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा हम हल्का सा गर्म होने देंगे और यहाँ पे मैंने हम रोटी का आटा है, रोटी बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो मैंने 1.5 कटोरी लिया है आटा। अब इसे हमें सेकना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और कंटिन्यूस हम ऐसे हिलाते रहेंगे। अब देख पा रहे हैं इसका पूरा कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। अभी और हमें 8-10 मिनट अच्छी तरह से सेकना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको घी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी खुशबू भी आने लगी है, लेकिन और भी हमें 5 मिनट अच्छी तरह से सेकना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं सारा घी रिलीज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। 1 चम्मच यहाँ पे मैं ड्राई जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, इलायची पाउडर। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये ट्रे है मेरे पास, इसमें मैं सुखड़ी जमा रही हूँ, तो इसमें हम 1 चम्मच घी डाल के इसे ग्रेस कर लेंगे। और अब गैस बंद कर दे रही। गैस बंद करने के बाद हम यहाँ पे गुड़ डालेंगे। यहाँ मेरे पास ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ट्रे पे निकाल लेंगे। मैंने अच्छी तरह से सब फैला दिया है।
अभी हम कट कर लेते हैं। अभी से 10-15 मिनट हम ठंडा होने देंगे, फिर अनमोल्ड करते हैं।